नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मुझे लगा जिंदा है, क्योंकि तुम उसके साथ नहीं थी ना। आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह तुम हो। Stop this blame game, mom, please stop it. आपकी जिंदगी आप अपनी तरह से जी नहीं पाई तो आपने अपने frustrations का blame पापा के failures पर तो कभी मुझ पर डाल दिया। आपकी इसी हरकत की वजह से पापा सर उठाकर जी नहीं पाए और मैं निकल पड़ा खुद को प्रूफ करने के लिए। I'm tough, I'm wild. हर बार मैं गिरा और आज मैं इस हद तक गिर चुका हूँ कि खुद अपने ही सामने खड़े होने से डर रहा हूं। देखिए मॉम, आज मैं भी वही कर रहा हूं जो आप करती आई हैं। आज मैं भी अपनी गलतियों की वजह आप में ढूंढ रहा हूं। मैं टोटली स्क्रूड अप हूं मॉम, टोटली। मैंने लाइफ इतनी रेकलेसली जी है तो होना ही था। और अब जो कुछ भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं भी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दूंगा। कबीर, कबीर रुक जा, बात तो सुन। तू जो चाहता है वही होगा। I beg you, please don't ignore me like this. सुन, तू सिटी छोड़कर नहीं जा सकता। Game on. प्रीत, मेरे और तेरे लाइफ के सारे गेम्स ओवर। तुझ तक पहुंचने के लिए मैंने जो भी रूट लिया पहुंच ना पाया। हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है कभी? I don't know. ठीक है, डीजी ने तुम्हारे खिलाफ कोनो कंप्लेंट लॉज नहीं किया और ये भी कह रहा है कि ये सब एक्सीडेंट था। पर मेरी बाइक वहां मिली, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। अगर वो तुम्हें बाहर देख लिया ना तो कबीर, गेट डाउन नाउ। डीजी के आदमी और पुलिस दोनों ही तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेट मी हैंडल दिस बबुआ। हम प्रॉमिस करता हूं तुमको जिंदा रखूंगा। मरने से मैं नहीं डरता, पर मेरी वजह से मॉम डैड को कोई प्रॉब्लम। अरे उनका तुम टेंशन मत करो, उनको हम शिफ्ट कर दिया हूं अलग जगह पर। और हाँ, अपना मोबाइल से सिम निकालो तो वो ससुरा डीजी ना एक्टिव सिम को तुरंत ट्रैक कर लेगा। आप तो जानते हैं अंकल, मेरी वजह से पहले से ही सभी को इतनी तकलीफ हुई है। हे बबुआ, अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है, का समझे? ओम सत्यना पुरुषा विश्ववेदः सत्यना तार्थो अरिष्टने निहि स्वस्तिनो विरस्पतिर् ददातु। ओम स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। नमो वयम विष्णवाय कुरुमहे स्वामी कामन काम कामाय मह्यं कामेश्वर विष्णवो ददातु।
अगले 24 घंटों में कबीर सयाल का सिर यहाँ पड़ा होगा। तुम तो कबीर को पसंद करती हो। जी ऐसा नहीं है जीजी साहब, प्रीत और कबीर तो सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। आप तो जानते ही हैं, जैस और प्रीत की एंगेजमेंट हो चुकी थी और शादी की डेट भी फिक्स होने वाली थी। लेकिन जैस तो मर गया ना। कोई बात नहीं, इसकी शादी रुकनी नहीं चाहिए जी। इसकी शादी होगी यही इसी फार्म हाउस पर। किससे जी? कबीर। What the fuck कबीर? बेशरम बेहया, अपने शादी में मेहमानों को ऐसे वेलकम करती है। ओ मिस्टर मेहमान, डीजी तेरा सर काटना चाहता है। आई नो, डॉक्टर डीजी मेरी सर्जरी करना चाहता है। डीजी कॉलिंग। कबीर सयाल, गेम ऑन। कबीर, प्लीज कबीर, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। डीजी सर, कबीर मुझे उठा कर भाग रहा है, बचाओ। नहीं सकते। पहले ये बताओ मैं तुम्हें क्यों भगाऊं? क्योंकि आज हमारे मरने के चांसेस ज्यादा है ना, तो क्यों ना साथ मरने का ट्राई करें? आज हम नहीं मरेंगे क्योंकि आज मेरे मरने का मूड नहीं है। प्रीत से हटा, अंदर घुस जा वरना सचमुच काले सांड की बीवी बन जाएगी। चल। क्या हुआ? हमारी पहली किस थी और मैं रेडी भी नहीं थी। नो प्रॉब्लम, अगली बार काउंटडाउन दूंगा। 1 2 3 ऐसे कोई पागल ही होगा जो तुझसे शादी करेगा। ओए, काला सांड मान गया था। मिस करी उसे? ड्रॉप कर दूं वापस। सीट बेल्ट पहनने से गोली नहीं लगेगी क्या? ना, बस तू गिरेगी नहीं। फोन लगा। नंबर नहीं है मेरे पास। प्लीज पुलिस कंट्रोल रूम में यार, कम ऑन। गो। इंस्पेक्टर बुलबुल पांडे को प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए कि कबीर और प्रीत मानिकपुर की तरफ रेलवे ट्रैक पर कार से जा रहे हैं। मसाज, पीछे डीजी और आगे ट्रेन। आने दे।
breathe. Let me concentrate. Concentrate? On what? चुप होने का कितना पैसा लेगी यार? ऊंचा पैसे के लाल जी, हम बचेंगे नहीं तो पैसे का क्या करेगा? तेरे लिए ताजमहल बनवाऊंगा। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं रोज राउंड मारने आता हूँ। थैंक गॉड आगे कुछ दिख तो रहा है। क्यों? पर आगे ग्राउंड नहीं है। ताना, I think हमने उन्हें खो दिया। Yes, yes, we did it, कबीर, we did it। तू डर गया था ना? हाँ? अपने से ज़्यादा मैं तेरे लिए डरता हूँ। Wrong decisions मेरे, और side effects तुझे झेलने पड़े। मेरा credit तू ले रहा है कबीर। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। तुम्हारे जाने के बाद बलबीर की situation और भी worse हो गई थी। चाहिए थी या फिर मुझे बहुत पहले बलबीर को घर से निकाल देना चाहिए था। मेरी वजह से मेरी प्रीत को बहुत तकलीफ हुई है। हम जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, हमेशा उनके लिए अच्छा सोचते हैं, पर कभी कभी बुरा हो जाता है। बस अब और बुरा ना हो। मनु अगर प्रीत और कबीर वापस ना आए ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। I'm sorry, Manu. It's okay, प्रीत। तूने जानबूझकर उसे नहीं मारा। It was just an accident. I'm sorry, कबीर। Sorry? उन बेचारी चिड़ियों को कहो जो तुम्हारी चीख सुनकर अपना पुश्तैनी आशियाना छोड़कर भाग गए। Sorry, birdies। अरे वापस आ जाओ। रोना बंद हो गया। 15 साल पहले तुम्हें मेरी वजह से भागना पड़ा और 15 साल बाद आज तुम फिर भाग रहे हो मेरी वजह से। तेरी और मेरी एक कॉमन प्रॉब्लम है। किस्मत ने हमेशा हमें उंगली की। क्यों? अरे
लेकिन उसी किस्मत ने इडिट्स कोटा में हमें एक और चांस दिया। लाइफ में हम जो भी रूट लेते हैं, इनमें हमें साथ ही होना था।